राइट। हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो साल की मनी इन द बैंक को लेकर आ चुका एक बड़ा स्पॉइलर कि मनी इन द बैंक में कौन कौन से सुपरस्टार इंसर्ट होने वाले हैं और बेली ने एक बार अपना फिर से रिटर्न किया है टीज। और कोडी रोड्स की करंट पोजीशन क्या है मंडे नाइट रॉ में और क्या रही इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के शो की व्यूअरशिप और भी काफी अपडेट्स होने वाली इस वीडियो में। तो यार वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोगों को काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 से 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से, और अगर लास्ट वीक की व्यूअरशिप की बात करें तो लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.979 मिलियन व्यूअर्स। और अगर इस हफ्ते की बात करें तो व्यूअरशिप में आ चुका है डाउनफॉल, क्योंकि व्यूअरशिप आ चुकी है 1.803 मिलियन व्यूअर्स। तो इस हफ्ते आ गया है डाउनफॉल, बाकी देखो नेक्स्ट वीक से व्यूअरशिप कितनी आती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है WWE के UK की इवेंट से, और कल WWE ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 30 सालों के बाद UK में उनका कोई UK स्टेडियम में उनका कोई मेजर लाइव इवेंट होने जा रहा है। और ये मेजर लाइव इवेंट है 3 सितंबर को, तो यहाँ पर डेट भी निकल कर आ चुकी है सामने। और कल WWE ने इस चीज़ को ऑफिशियली इंस्टाग्राम अकाउंट पर बता भी दिया था। तो भाई 1992 से लेकर WWE ने अभी तक कोई शो नहीं किया था UK के अंदर उनका कोई मेजर लाइव इवेंट, तो यहाँ पर एक बार फिर से होने जा रहा है उनका UK स्टेडियम में कोई बड़ा इवेंट 1992 से लेकर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी शॉर्टजी ब्लैक हार्ट से, और शॉर्टजी ब्लैक हार्ट ने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट की है जहाँ पर वो अपने फैंस को अपना न्यू टैटू दिखा रही है। और वो फोटो आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे जहाँ पर शॉर्टजी ब्लैक हार्ट ने गले में कुछ टैटू बनवाया है, और आप लोग गले पर ही देखना, उससे ज़्यादा कुछ देखना नहीं, क्योंकि भाई काफ़ी सारे फैंस की नज़र केवल उसी चीज़ पर जा रही है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हो शॉर्टजी ब्लैक हार्ट के टैटू के बारे में, उसके बारे में आपसे भी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारी बेकी लिंच से, और बेकी लिंच ने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट की है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहाँ पर बेकी लिंच ने आई थिंक कुछ पेड प्रमोशन वाली चीज़ की है या फिर किसी के साथ कोलैब किया है, जिसमें वो किसी की ड्रेस पहनी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है बिग टाइम एक्स, और आई थिंक वो कपड़े के ब्रांड का नाम है जो भी कंपनी है। तो बेकी लिंच ने भी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो पोस्ट की है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी नटालिया से, और नटालिया आ जाई थी NXT के शो पर, और आई थिंक WWE मैंडी रोज की तरह ही नटालिया को भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही बुक करना चाह रही है, इसलिए उनको डाल दिया है NXT पर। और उनका प्रोमो हुआ था कोरा जेट के साथ, और उनका मैच भी फिक्स हो चुका है, टाइटम ऐसे कुछ नाम है उस बंदी का। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक नटालिया का मैच भी फिक्स हो चुका है आने वाले NXT के शो पर, बाकी देखो नटालिया का फ्यूचर क्या होता है NXT पर। और मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है, जिनका यूज मेन रोस्टर पर नहीं हो रहा है उनको WWE को डाल देना चाहिए NXT के शो पर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी साशा बैंक्स से, और साशा बैंक्स ने अपने टीथ पर लगवाए हैं डायमंड वाले शेड, और यहाँ पर आप सभी आप सभी वो फोटोज अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। और यहाँ पर साशा बैंक्स ने 6 डायमंड वाली टीथ लगवाए हैं, और वो आप लोग फोटो देख ही चुके हो गए, बॉस वगैरह भी लिखा हुआ है इसमें कुछ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और ये चीज़ साशा बैंक्स ने रेसलमेनिया के आसपास करवा ही ली थी, और मतलब क्या ही कमाल की लग रही यार, पैसा बहुत है साशा बैंक्स के पास, सभी डायमंड वाली टीथ लगवाए हुए हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में आप सभी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी कोडी रोड से, और करंटली क्या है कोडी रोड्स की पोजीशन मंडे नाइट रॉ के अंदर, और पोजीशन से मेरा मतलब है कि वो भी किस कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब बेबी फेस तो हैं लेकिन उसमें वो किस नंबर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोडी रोड्स अभी दूसरे नंबर पे टॉप बेबी फेस सुपरस्टार हैं, तीसरे नंबर पर जो सुपरस्टार हैं जो कि हमारे बॉबी लैशली, और फर्स्ट नंबर पर जो सुपरस्टार हैं जो कि और कोई नहीं हमारे दि फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स हैं। तो यहाँ पर कोडी रोड्स अभी सेकंड नंबर पर बेबी फेस चल रहे हैं पूरी मंडे नाइट रॉ के शो के अंदर। बाकी आप लोग देखो यार कोडी रोड्स आने वाले टाइम में किस तरीके से अपना बेबी फेस कैरेक्टर और भी ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं और फैंस को वो एंटरटेन करते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कुछ जुड़ी हमारी बेली से, और बेली ने अपने क्रिप्टिक ट्वीट के जरिए फिर से किया अपने रिटर्न टीज। और यहाँ पर सबसे पहले वो एक ट्वीट करती हैं इन माई ओन टाइम जोन, यहाँ पर यहाँ से उन्होंने अपना रिटर्न टीज किया, और फिर दूसरा ट्वीट उन्होंने किया
बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पर बेली ये बताना चाह रही है कि मैं अपने टाइम जोन में हूँ तुम्हारी वजह से। और यहाँ से बेली रिटर्न टीस कर भी रही है और ट्वीट उनके थोड़े से क्रिप्टिक हैं। और आई थिंक पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट चला जा रहा है बेली के रिटर्न से, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया यार, बेली का रिटर्न हो ही नहीं रहा है। और क्या पता कोई क्या पता WWE कोई बेस्ट मौका ढूंढ रहे हो बेली का रिटर्न करवाने का। बाकी देखो यार बेली का रिटर्न WWE में कब तक होता है। और अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी है इस बार के मनी इन द बैंक के पेपर व्यू से, जिसके लिए बड़ा स्पॉइलर आ चुका है सामने। और वो बड़ा स्पॉइलर क्या है? बड़ा स्पॉइलर ये है कि यहाँ पर जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनके लिए स्पॉइलर है कि कौन कौन इस शो का पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो पोस्टर WWE ने ऑफिशियल अभी तक किया नहीं है, मतलब वो पोस्टर लीक टाइप सा हुआ था जहाँ पर सारे सुपरस्टार बने हुए थे, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, रोंडा राउजी, बॉबी लैशली, बेकी लिंच, ड्रू मैकइंटायर, वो अभी भी स्टिल पार्ट हैं मनी इन द बैंक के शो का। तो ये काफ़ी बड़ा स्पॉइलर निकल कर आ चुका है सामने, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर स्टिल एडवर्टाइज किए जा रहे हैं मनी इन द बैंक के शो के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बार के मनी इन द बैंक के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल मेरी जज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी, अगर पसंद है तो लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। सो वी विल सी माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।